हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोच बच्चों कि कैसे सोचें, साइन टू द पावर 8x है, कॉस टू द पावर 7x है। तो आपने एक हमारा ब्रह्मास्त्र सोच रहे होंगे कि ब्रह्मास्त्र ये है कि साइन कोई भी पावर ओड मिल जाती है तो साइन एक्स को क्या रख देते हैं, टी रख देते हैं। और उसके अलावा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने हमें एक रिडक्शन फार्मूला भी कराया हुआ है, तो उस रिडक्शन फार्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ और सोचते हैं। अब बच्चों ये क्या बच्चों जीरो है और ये क्या है, 2π है। बात आई बच्चों समझ। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचा जाए कैसे सोचना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम f(a+b-x) वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कोई फ़ायदा तो नज़र आ नहीं रहा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, चेक करते हैं ये fx क्या बेटा प्रियंका, साइन टू द पावर 8x इंटू कॉस टू द पावर 7x, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा मैंने क्या किया, f(2a-x) लगाया, तो यहाँ पर 2a जो है बच्चों क्या है, पाई है, 2π है। तो साइन टू द पावर 8 2π-x, कॉस टू द पावर 7 2π-x। अब आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की हुई है। अब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो क्या होगा बच्चों, सोचने वाली बात है, सोचा जाए कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए। तो बच्चों ये आपका नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन वहाँ पर इवन पावर है, तो इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। लेकिन माइनस साइन एक्स टू द पावर 8 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कोस 2π-x, एड शुगर टू कॉफ़ी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या बच्चों, पॉजिटिव। तो ये घूम फिर के साइन टू द पावर 8x कोस टू द पावर 7x और ये हमारा क्या आ गया बच्चों, fx आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग तो कोई काम बना नहीं आप लोगों का। तो ये बच्चों आपका हो गया 0 से π और ये 2 टाइम, बस इतना ही आराम मिला, साइन टू द पावर 8x इंटू कोस टू द पावर 7x इंटू dx। अब बच्चों आगे क्या किया जाए, आगे कैसे सॉल्व किया जाए। अब फिर बच्चे सोचने लग गए कि सर कोस की पावर ओड है तो साइन एक्स को क्या रखा जाए, टी रखा जाए, और क्वेश्चन को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। नहीं बच्चों, अब फिर सोचते हैं इसके बारे में। अब बच्चों फिर आपका fx क्या आ गया है, साइन टू द पावर 8x इंटू कोस टू द पावर 7x। तो यहाँ पर फिर हमने किया π-x किया, तो अब ये जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन तो पॉजिटिव होता है। तो बच्चे सोच रहे हैं सर क्या कर रहे हैं, तो ये बच्चों पॉजिटिव होता है तो साइन टू द पावर 8x आया, और ये कोस टू द पावर 7x जो है, अब ये ओड है और ये नेगेटिव वाली उसमें होता है तो माइनस कोस एक्स होल टू द पावर 7 करेंगे तो वो माइनस आएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये क्या आ गया आपका, माइनस ऑफ fx आ गया, क्या आ गया, माइनस ऑफ fx। और ये आपको मालूम है यदि 0 से 2a आपका fx dx 0 हो जाता है, वो कब हो जाता है, यदि f(2a-x) इक्वल टू माइनस fx। तो आपने थोड़ी सी पेशेंस रखी तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई। तो इसका आंसर यदि आपको नीचे ऑप्शन में 0 दे रखा है या आपको सॉल्व करने के लिए रखा है तो आप इसका आंसर सीधा क्या कर देंगे, 0। एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के साथ, ठीक। तो ये क्लियर है आप लोगों को, यानी अच्छी तरह पक्का। अब बच्चों मतलब आपने वहीं पे नहीं रुक जाना, यदि आगे फिर अप्लाई करना है उस प्रॉपर्टी को, जरूरी नहीं है कि एक बार वो प्रॉपर्टी लगने के बाद वो काम हो जाए, तो 2 बार लगने के बाद काम हो रहा है तो आपका काम बन रहा है, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी आल्सो इंपॉर्टेंट लाइक f(a+b-x), इससे बड़े सारे क्वेश्चन आपके हल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं आप लोगों के साथ, और अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और अब आप लोगों के साथ मैंने ये कर दिया साइन स्क्वायर एक्स और इधर मैंने कर दिया कोस टू द पावर 4x dx। अब सोचो बच्चों इसके बारे में, अब कैसे सोचना है, करना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स है और इधर कोस टू द पावर 4x है, तो अब बच्चे कह रहे हैं सर आपने ओड पावर दे दी थी तो 2 बार काम करने के बाद काम हो गया था, लेकिन अब आपने क्या कर दिया है, इवन पावर दे दिए दोनों, कोई बात नहीं, स्टार्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो fx है वो आपका क्या है,
साइन स्क्वायर एक्स है और कोस टू द पावर 4x है, और एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है वो आपका एफ एक्स ही रहने वाला है, ठीक है, वो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि इवन पावर है, फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है लेकिन इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और कोस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने वहाँ लिख के दिखाना है उसको कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या आ गया कोस टू पावर 4x इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर बच्चे सोच रहे हैं कि सर अब भी वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, कोई बात नहीं, तो फिर दोबारा हमने किया तो एफ एक्स आपका क्या है साइंस करेक्ट, वो तो ऊपर लिखा ही हुआ था, तो यहाँ पर एफ ऑफ टू पाई माइनस अब पाई माइनस एक्स जो है फिर आपका क्या बच्चों एफ एक्स है, तो अब ये क्या हो गया 0 से पाई बाई 2 और ये 4 टाइम हो जाएगा और ये आपका क्या आ गया साइंस कर एक्स कोस टू द पावर 4x। बात समझ आती है नहीं आती, क्लियर है, अच्छी तरह नहीं, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा सा अपनी पेशेंस लूज कर रहे हैं, कह रहे हैं सर आप यहाँ यहाँ तक कौन सा ऐसा बड़ा काम हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो नाउ यू हैव टू थिंक अब क्या किया जाए बच्चों, कैसे किया जाए, ठीक है। अब फिर दोबारा लगाते हैं तो अब तो बच्चों ये पाई बाई 2 आ गया, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ गया, अब साइन का क्या बन जाएगा कोस और कोस का क्या बन जाएगा साइन, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो बच्चों अब क्या होगा, और साथ में इनडेफिनिट का भी है ये, अब हमने फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगाई और इस बार जो है अब आपकी ये प्रॉपर्टी CBSE की फेमस प्रॉपर्टी और कोस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, अब आई ये आप इसको ये 2 इधर मल्टीप्लाई मत कर देना है 4 ही है, तो 4 अब क्या बच्चों कोस के एक्स, अब बच्चे कहते हैं सर क्या काम हो गया, पहले साइन अब कोस केयर हो गया, अब क्या करें, तो बच्चों अब ये सोल्यूशन थोड़ा सा इजी बनेगा, इस आई को यदि मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2i और 4 तो है ही दोनों के अंदर कॉमन, तो 0 से पाई बाई 2 और पहले था साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं, दोनों आईज को हमने क्या कर दिया बच्चों ऐड कर दिया, दोनों आई को क्या कर दिया ऐड, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है, तो आई इक्वल टू, कई बच्चे सोच रहे हैं सर जहाँ पर 8 क्यों नहीं आ गया, क्योंकि ये 4i प्लस 4i था तो 4 भी हमने कॉमन लिया और अंदर फंक्शन रह गया तो फंक्शन ऐड हो गया, तो बात ये समझ 8 नहीं आएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें से बच्चों साइंस का एक्स है, इधर भी साइंस का एक्स है, जिसे पॉलिनोमियल में SCF कहते हैं, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कॉमन, और ये आपका आ गया कोस स्क्वायर एक्स और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हुआ या नहीं हुआ, सर क्या अब कह रहे हैं बच्चे यस सर अब हल्का हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ये आपका 1 हो गया, ये आपने 10th क्लास के अंदर प्रॉपर्टी की हुई है पाइथागोरस प्रॉपर्टी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका 1 होता है। अब इसके बाद इसको आपने इंटीग्रेट करना है और ये 2 है ही आपके पास, ठीक है, तो अंदर मुझे 4 चाहिए, अब इसको इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता है अच्छी तरह, ठीक है, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन में किया हुआ है आप लोगों ने, तो 0 से पाई बाई 2 ये 1/2 बाहर ले लिया और इसको मैं 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बच्चों, क्लियर है, ये 4 था इधर 2 तो अंदर ले लिया था हमने, एक 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया एक 2 से बाहर, तो अब बच्चों ये आ गया 1/2 और ये आपका आ गया साइन स्क्वायर 2x और 0 से पाई बाई 2, 2 तो अंदर चला गया था बेटा, एक 2 से और मल्टीप्लाई किया था 4 बनाने के लिए, तो बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया कुर्सी, ये साइन स्क्वायर 2x हो गया, अब इसको बताओ बच्चों इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट आप लोगों को मालूम है कि इसको फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इवन पावर है 1 माइनस कोस 4x बाई 2, तो यदि ये CBSE में क्वेश्चन आ गया तो काफ़ी जनों का बैंड बच जाएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, 1 की इंटीग्रेशन x
और साइन 4x कोस 4x की होती है साइन 4x बाई 4 और 0 से पाई बाई 2। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी मच क्लियर। और सीबीएसई का जो ट्रेंड है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो पाई बाई 2 माइनस 0, पहले इसके साथ लगा दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 बाई 4 बाहर, साइन 4 इंटू पाई बाई 2, तो ये भी 0 और अगला भी 0, 0 इंट माइनस 0 क्या था 0, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, पाई बाई 8। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 0 से 2 पाई था, मिक्सचर ऑफ टू प्रॉपर्टीज प्लस इनडेफिनेट प्लस ट्रांसफॉर्मेशन और प्लस ट्रिग्नोमेट्री, तो पांच चीजों का मिक्सचर होने के बाद क्वेश्चन। फिर एक बार सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 4x, यदि आपकी यहाँ पर ओड पावर होती तो फिर तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन जाता है। तो यहाँ पर हमने वही प्रॉपर्टी लगाई एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, सिर्फ इससे लिमिट हल्की हो रही है, लिमिट आधी हो रही है, 2 बाहर आ गया। फिर प्रॉपर्टी लगाई पाई बाई 2, लेकिन अब दोबारा प्रॉपर्टी वो लगाते लेकिन ये साइन कोस में चेंज हो जाता, कोस साइन में पाई बाई 2 के साथ जब माइनस करते हैं, कोई बात नहीं हो जाने दो। फिर उसके बाद वो आई था, दोनों आई को ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर कॉमन था। इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, साइन स्क्वायर 2x, जी आपको मालूम है कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद लिमिट लगा दी। तो दिस इज अ रियली क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के साथ, वो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और आप लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में देखते हैं कि आप प्रॉपर्टी लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन है 0 से 2 पाई कोस टू द पावर 5x dx, इस बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें। अब बच्चे कह रहे हैं सर अब तो आपने हमें 0 से 2 पाई प्रॉपर्टी है तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो बच्चों ये मालूम है आपको कि fx क्या है, cos टू द पावर 5x, और सबसे खुशी की बात यह कि ओड है ये, और f ऑफ 2 पाई माइनस x करेंगे तो cos टू पावर 5 2 पाई माइनस x, तो ऐश्वर्या ये क्या हो जाएगा बेटा, मानसी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या आ गया बच्चों fx, तो इसकी लिमिट आधी हो गई अपर वाली, तो 0 से पाई 2 टाइम cos टू द पावर 5x dx, फिर आपका fx जो है यही है। फिर एक बार इसको देखते हैं और आगे इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं तो कई बच्चे क्या करेंगे, ये ओड पावर है इनडेफिनिट लगाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी और आंसर उसका सही आ नहीं पाएगा और क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बच्चा घबरा जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्टीज आपकी पूरी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर दोबारा किया बच्चों एफ ऑफ पाई माइनस एक्स किया तो कोस ऑफ 5 पाई माइनस एक्स, तो गौतम अब आप बताओ बेटा कोस पावर 5 पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है तो ये क्या आएगा माइनस कोस टू पावर, तो ये क्या आ गया माइनस एफ एक्स। तो अब आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यदि आपका माइनस एफ एक्स हो जाता है तो ये 0 से 2a एफ एक्स जो है आपका क्या आंसर आया था सीधा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों सीधा 0। आपने वहाँ प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है कि इसकी वजह से 0 आ गया, तो इस तरह एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो वहाँ पर यदि आप वही आपका ब्रह्मास्त्र लगाते ओड पावर है, तो ये ब्रह्मास्त्र से भी ब्रह्मास्त्र है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो आपके पास मिसाइल्स होनी चाहिए सारी की सारी, उसको कहाँ अपने अपने नेवी का यूज़ करना है, कहाँ नेविगेटर का यूज़ करना है, कहाँ पे आपने थल सेना लगानी है, कहाँ पे आपने नौसेना लगानी है, कहाँ पे क्या करना है, तो वो सारी मिसाइल्स आपके पास तैयार होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे हथियार तो हमने दे दिए लेकिन जब वहाँ पर मौका आए चलाने का तो आप ना चला पाएँ, ठीक है। तो आपने नेविगेटर का सही इस्तेमाल करना है, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।